और आज हम देखेंगे राजस्थान पॉलिटिक्स पार्ट टू। और इसमें जो क्वेश्चन है ये आपको हर जगह मदद करेंगे, भले आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान का, यूपी का, नॉर्थ इंडिया में किसी का भी दे रहे हो, साउथ इंडिया में किसी का दे रहे हो, बट हिंदी फ़र्क है बस कि हिंदी में आते हो तो वहाँ क्वेश्चन ये आपको हेल्प करेंगे। इसकी शुरुआत करते हैं, आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन वन, किस चार्टर द्वारा प्रेसिडेंसी के ब्रिटिश गवर्नर को ब्रिटिश कानूनों के अनुरूप उपनियम, नियम, विनियम बनाने का अधिकार मिला। देखिए प्रेसिडेंसी के शुरुआत में थी, शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल शुरू किया था तो उसने जहाँ जहाँ जीत करी थी वहाँ प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश करते थे, वहाँ एक गवर्नर स्टाफ गवर्नर बना जाता था। ये गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बना जाता था, जो उसको चार्टर से ये पावर मिलती थी। अभी थोड़ा सा और देख लेंगे चार्टर क्या होता है, पहले इसका जवाब दे लेते हैं। ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1726, 1726, 1813, 1833, 1772। आप अपना टाइम ले सकते हैं, रोक कर आराम से एक मिनट में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। 1726 बेसिकली चार्टर एक्ट क्या थे कि जो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका कुछ ऐसे नियम वियम नहीं थे जो ये नियम हम आज देखते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, 19 वगैरह, 1909 वगैरह, ये बहुत बाद में आई, बेसिकली 1857 के बाद आए। पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ये कंपनी थी जो इंडिया में व्यापार करने आई थी, तो ये ब्रिटेन कंपनी थी, तो वहाँ के महाराजा से चार्टर लेके आई थी। जिस चार्टर का मतलब था वहाँ के रूल्स और एक्ट कि आपको किस तरीके से क्या काम करना है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी जरूरी थी लेकिन उसमें ब्रिटिश लोग काम करते थे, तो उनकी रक्षा करना या वो जो काम कर रहे हैं वो पूरा का पूरा जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी उस वक्त के जो ब्रिटेन के राजा थे और अपने शासन व्यवस्था थी वो उसको कंट्रोल करती थी। तो वो क्या कंपनी को एक चार्टर लिख के देती थी, यानी एक शर्तें लिख के देती थी कि आपको इस तरीके से काम करना है, उसको चार्टर एक्ट बोला जाता था। क्वेश्चन टू, भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार संघीय प्रणाली पेश की गई। देखिए संघीय प्रणाली क्या होता है, आपने देखा हो सेंट्रलाइज प्रणाली होती है, एक संघीय होती है, फेडरल होता है, एक सेंट्रल होता है। इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है, अमेरिका में क्या है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है और राज्य सरकार के पास अपने अपने क्षेत्र होते हैं जिसमें से वही नियम बना सकती है। हालांकि उसको बाईपास करने के तरीके होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा वो आर्टिकल 200 जो 200 है, आर्टिकल 200 नंबर का है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए राज्य सरकार ने कोई नियम बनाया या कोई बिल पास किया, एक्ट बनने से पहले वो गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर उसको साइन करता है। बट अगर गवर्नर को लगता है कि इससे कुछ मतलब केंद्र के अधिकार भी शामिल हो रहे हैं या केंद्र की कुछ मतलब उसके विचारों की भी ज़रूरत है, तो वो उसको प्रेसिडेंट के लिए यानी राष्ट्रपति के साइन के लिए बचा लेता है। आर्टिकल 200 में जो गवर्नर का मेन काम है वो यही देखना है जो सेंटर की नीतियाँ हैं वो स्टेट की नीतियों से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना करें। तो भारत में किस अधिनियम के अंदर पहली बार संघीय प्रणाली पेश की गई, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1858। उसका सही आंसर है 1935। हुआ ये था कि इसमें क्या किया गया था कि फेडरल सिस्टम यानी संघ प्रणाली को पेश तो किया गया था लेकिन उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जो भारत की रियासतें वो अगर कम से कम 50% यानी जितनी रियासतें हैं उसमें से 50% अगर इस भारत सरकार अधिनियम 1935 को साइन करने के लिए तैयार हों तो ये संघ प्रणाली अस्तित्व में आएगी। लेकिन कोई भी राजा, देखिए कोई भी इंसान एक नॉर्मल है, राजा छोड़िए अच्छे बुरे का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई भी इंसान अपने हाथ से कोई भी शक्ति ज़्यादा देना पसंद नहीं करता है, खासतौर से वो जब वो लार्जर यानी और लोगों को भी बराबर शक्ति देती हो। तो संघीय प्रणाली में क्या था कि राजाओं की जो उस वक्त की जो जितनी रियासत थी वो एक तरह से अपने आप को छोटा महसूस करते हैं या उनका जो कंट्रोल था वो ख़त्म होता तो उन्होंने कभी इसको साइन ही नहीं किया। क्वेश्चन थ्री, भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। देखिए जो संघीय प्रणाली और प्रांतीय स्वायत्तता है ये लगभग एक ही तरह की चीज़ होती है। संघीय प्रणाली में क्या होता है, प्रांतीय स्वायत्तता ही मिलती है। खैर पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, आप आंसर दीजिएगा उसके बाद मैं और डिटेल बताऊंगा। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1858। और इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार
मैं जो एक तरह से भारत सरकार, क्योंकि क्या था कि 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद जब 1857 में एक्ट आया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ले लिए गए थे। और ब्रिटेन अब क्या कर रहा था, डायरेक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डायरेक्ट रूल कर रही थी इंडिया के ऊपर। तो उसके बाद जितने भी अधिनियम वगैरह बनाए गए वो भारत सरकार अधिनियम के नाम से ही जाने जाते हैं। क्वेश्चन 4, भारत की संविधान सभा को किस प्रस्ताव के अंतर्गत बनाया गया था? यानी क्या था कि भारत में संविधान बनना था, लेकिन उसका प्रस्ताव पहली बार किसने दिया था, यानी किस प्रस्ताव के अंतर्गत उसको बनाया गया था, वो आपको बताना है। ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, नेहरू रिपोर्ट्स एंड साइमन आयोग। और इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन 5, बंटवारे से पहले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? आपको पता ही, मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं अच्छे तरह से कि पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा थे, बट मुस्लिम लीग की आपत्तियों के कारण या करें उसकी उसके ढीठता के कारण उन्होंने भारत को विभाजन हो जाने दिया। और चूंकि हर किसी की इच्छा होती है कि वो पावर में रहे, तो उस वक्त मुस्लिम लीग में जो भी थे, जिन्ना वगैरह, ये चाहते थे इन ये पावर बने या प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस कारण इंडिया का आपको पता ही है कि बंटवारा हुआ था। तो बंटवारे से पहले कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 388, 389, 390 और 293। और इसका सही आंसर है 389। आपको बताना है कि बंटवारे के बाद जब संविधान सभा बनी तो उसमें कितने सदस्य थे, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा असर किस अधिनियम का है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1858। और सही आंसर है 1935। असल में हमारे जो देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था है, आपको पता ही है कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, और नहीं पता तो आप याद कर लीजिए। संघीय व्यवस्था का मतलब सिंपल, राजस्थान की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट लोग अलग से चुनते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, तो इसी को संघीय व्यवस्था बोलते हैं। तो जो संघीय व्यवस्था थी ये सबसे पहले 1935 में आई थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता, कि भाई उनके अपने विषय होंगे, जैसे भूमि लैंड जो है वो एक प्रांतीय स्वायत्तता का विधेयक सब्जेक्ट है, इस पर राज्य सरकार है वो काम करती हैं। इसलिए आप देखेंगे भूमि को खरीदने बेचने के नियम वगैरह जो हैं, राजस्थान में अलग हैं, यूपी में अलग हैं, हरियाणा में अलग हैं। उसका कारण ये है क्योंकि ये संघीय व्यवस्था के तौर पर, एक प्रांतीय स्वायत्तता के तौर पर राज्यों को दिए हुए हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसमें आपको देखने को मिल गई। और चूंकि सबसे लेटेस्ट था 1947 से पहले और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला एक्ट था, तो आपको देखेगा सबसे ज़्यादा असर है वो इसी अधिनियम का हमारे ऊपर आता है। क्वेश्चन 7, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, हर देश के संविधान को संशोधन करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अमेरिका का जो तरीका है वो इतना डिफिकल्ट है, शायद आज तक वहाँ पर 7 से 8 ही संविधान संशोधन हुए हैं, बहुत कम हुए हैं। मतलब मैं अभी नंबर आपको याद नहीं आ रहे मुझे, बहुत कम संशोधन हुए हैं। इंडिया में देखेंगे लगभग 100 के करीब हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, इंडिया में जो प्रक्रिया है उसको जटिल और आसान दोनों माना जाता है, अमेरिका में जो प्रक्रिया है उसको बहुत जटिल माना जाता है, चाहे किसी लेवल पर आप रखें। अब आपको ये बताना है कि भारत की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, और इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन 8, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1500 में, 1550 में, 1600 में, 1650 में। ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक्चुअली एक व्यापारिक संस्थान था, एक सिंपल कंपनी, जैसे आप आज रिलायंस देखते हैं या अदानी की कंपनी देख रहे हैं या टाटा की कंपनी देख रहे हैं, बिरला कंपनी देख रहे हैं, तो ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई मतलब कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, ये तो क्या है, इंडिया में व्यापार करने आए थे। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटेन, अगर आपने देखा वो मैप में, छोटा सा देश है और ठंडे इलाकों में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, छोटे से देश में क्या मिलेगा। तो उनको बड़े देश से प्राकृतिक संसाधन खरीदने थे और बेचने थे। व्यापारियों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्या है, यही खरीदना और बेचना, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। तो ब्रिटेन में इन सब की ज़रूरत पड़ती थी, और इसके लिए जो सबसे सही देश मिलता था वो इंडिया ही मिलता था, क्योंकि आसपास में अफ्रीका था, अफ्रीका में पहले फ्रांस वगैरह ने कंट्रोल कर रखा था, तो वहाँ झगड़े ज़्यादा थे, तो ब्रिटेन वगैरह थोड़ा दूर ढूंढ रहे थे। इसलिए आप देखेंगे ब्रिटेन ने ज़्यादातर थोड़ा दूर गए, या उनको चीज़ें बाद में मिली हैं। क्योंकि अगर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो सॉरी ये मैप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि
कि जो यूरोप है, यूरोप में जो फ्रांस और स्पेन है वो जस्ट जुड़े हुए हैं मेडिटेरेनियन सी के अलावा, जो भूमध्य सागर है उसके साउथ में आप देखेंगे कि अफ्रीका है, तो फ्रांस वगैरह और स्पेन वगैरह ने सबसे पहले यहाँ कंट्रोल कर लिया था, हॉलैंड वगैरह सब ने। अब ब्रिटेन तो क्या ऊपर था, उसको अफ्रीका तक जब तक वो कंट्रोल करता तब तक ये ज़्यादातर इनके कंट्रोल में आ गए, तो ये झगड़े जाते थे, तो वो क्या दूर ढूंढ रहे थे। और इंडिया भी बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल तौर पर यानी पारंपरिक तौर पर बहुत ही संसाधन युक्त या संसाधनों से बिल्कुल अमीर देश माना जाता था, और आज भी है। आप देखेंगे लगभग सभी तरह के संसाधन हमारे इंडिया में मिलते हैं। तो इसको कंट्रोल इसको ढूंढते ढूंढते ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और 16वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इनको चार्टर दिया गया था। जैसे मैंने आपको बताया चार्टर क्या थी, शर्तें थी कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, कि झगड़ा करना है कि नहीं करना है, झगड़ा करने पे आपको क्या करना है, क्योंकि ब्रिटिश लोग उसमें इन्वॉल्व थे तो उनकी डेथ हो जाती या कुछ प्रॉब्लम होती तो गवर्नमेंट पर ख़राब नाम आता, तो इस तरह से एक चार्टर दिया जाता था, तो उसके अंतर्गत ये बनी थी। तो 1600 में बनी थी, इसका जो सही आंसर है वो है 1600 एग्जैक्ट। भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार की स्थापना की गई है? चार्टर एक्ट 1726, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इस पर किस अधिनियम के अंदर पहली बार भारत सरकार की स्थापना की? भारत सरकार मतलब इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी और इसके बाद एक तरह से भारत सरकार बनी, इसका सही आंसर 1833। असल में हुआ क्या था, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, उसने ओवर ए पीरियड इसको कंट्रोल कर लिया इंडिया को, तो अब क्या हो गया, जब कंट्रोल हो गया तो ये तो बिल्कुल सस्ते में ही चीज़ें खरीदने लगे, सस्ते में क्या मतलब फ्री में ले जाने लगे, वहाँ महंगा बेचने लगे। तो जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग काम करने आते थे वो क्या करोड़पति अरबपति उस जमाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा अमीर मतलब बनने लग गए, तो ये दूसरे लोग देखने लगे कि इतना पैसा कहाँ से आया। तो उन्होंने वहाँ पर क्या ब्रिटेन में इसके खिलाफ आवाज़ उठा दी, बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेला कैसे प्रॉफिट हो सकती है, जबकि हर सरकार का ये मानना है कि भाई कोई भी कंपनी अगर डेवलप हुई है तो वो इसके कारण होती है कि उन्होंने उस कंपनी की मदद करी है। और आप समझते हैं पॉलिटिक्स उस वक्त की इन्वॉल्व हो जाती है, राजा महाराजा इन्वॉल्व हो जाता है, और कोई भी सरकार कभी नहीं चाहेगी कोई भी कंपनी अमीर बने, उससे ज़्यादा अमीर बन जाए, अदरवाइज़ क्या होगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हो सकता है कि वो सरकार को गिरा दे और आम लोगों को ज़्यादा दुख देने लगे। क्योंकि देखिए सब क्या होते हैं लालची किस्म के होते हैं, लालच जो होता है वो सब में होता ही होता है, चाहे आप बहुत ही अच्छे इंसान होंगे तब भी लालच के कुछ कण होंगे। अगर आपके पास शक्ति और पैसा दोनों आ जाएंगे तो आप हो सकता है कि दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाए। तो हुआ क्या था कि 1833 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बहुत ज़्यादा अमीर बनने लग गए थे, और पूरी तरीके से कंट्रोल ही था, चाय वगैरह पर कंट्रोल था, नेचुरल रिसोर्स जितने भी थे उस ज़माने कोयला था, सोना था, ये कर लेते थे, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा अमीर हो रही थी। इसको देखते हुए ब्रिटेन में आवाज़ उठी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके मैटर्स को रेगुलेट किया जाए, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा मतलब सिर्फ वही प्रॉफिट कमा रही है और दूसरों को कुछ नहीं मिल रहा, इससे हो कि रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग ही अमीर बनते जा रहे हैं और बाकी ब्रिटेन गरीब है, ये कह के उस वक्त इसकी शुरुआत की गई थी। तो 1833 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो एक्सक्लूसिव राइट थी ट्रेडिंग करने की, इससे पहले क्या होता था जैसे चाय वगैरह में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से चाय ले जा सकती वहाँ बेच सकती थी, बट ये जो व्यापारिक अधिकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ये ख़त्म किए गए एक तरीके से, या इनको बहुत ही कम कर दिया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक नॉर्मल कंपनी बन के रह जाए। तो इसलिए उसमें क्या हुआ था, भारत सरकार की स्थापना के जो आप कह सकते शुरुआती अंश थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे इस चार्टर एक्ट 1833 में, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर दिया गया था और बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया गया था, और 1857 क्रांति के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन जो होता था, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होता क्राउन होता है, तो ब्रिटिश क्राउन था उसका रूल इंडिया पर इस्टेब्लिश हो गया। क्वेश्चन 10, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत की गई? इसमें देखा आपने भारत सरकार की स्थापना, और इसमें आप देख रहे हैं संसदीय, और क्वेश्चन 10 में संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली क्या होती है, जैसे लोकसभा राज्यसभा जो आप स्टेट में देख रहे हैं राज्यों में देखते हैं विधानसभा विधान परिषद, ये संसदीय प्रणाली होती है कि इस तरीके से लोकसभा में बिल पास होगा, उस बिल को अगर ज़रूरत है तो राज्यसभा में के अंदर से ही पास कराया जाएगा, और फिर उसके बाद जो राष्ट्रपति होगा उसका अनुमोदन करेंगे, उसके बाद ही कोई अधिनियम बनता है। उससे पहले वो एक विधेयक रहता है, सिंपल कोई भी कानून बनेगा वो सिर्फ एक विधेयक रहता है, और उसका एक प्रोसीजर है पास करने का, सब लोगों की सुनी जाती है, वोटिंग होती है, वोटिंग में पास होने के बाद ही
वो राष्ट्रपति शासन के लिए जाएगा, अदरवाइज उस विधेयक को खारिज कर दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं संसदीय प्रणाली। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी शुरुआती तौर पे एक तरह से डिस्कशन शुरुआत शुरू किया गया। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे आज की लोकसभा या राज्यसभा वैसा कुछ किया गया था, सिंपल सा किया गया था कि चलो कुछ नियम बनाते तो थोड़ा और लोगों को सुन लेते ताकि झगड़े वगड़े थोड़े कम हो। हालांकि बनाना सरकार को ही था, बनाना ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था। इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1853, क्योंकि अब तक आते थे काफ़ी झगड़े शुरू हो गए थे। एंड थैंक यू फॉर द कि आज के साथ इस क्वेश्चन के साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।